हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक पद, द्विपद और त्रिपद से संबंधित उदाहरण देखे। आज इस वीडियो में हम गुणन खंडन से संबंधित एक दिलचस्प क्रियाकलाप करेंगे। आइए अब इस बीजीय व्यंजक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस बीजीय व्यंजक में तीन पद हैं। इस बीजीय व्यंजक के पहले पद को हम इस पहली आकृति से दर्शा सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल x की घात 2 है। दूसरे पद को हम इन तीन आयताकार आकृतियों के रूप में दर्शा सकते हैं। इन प्रत्येक आकृतियों का क्षेत्रफल x है और इस तरह इन तीनों आकृतियों का सम्मिलित क्षेत्रफल 3x है। तीसरे पद को हम इन दो छोटे वर्गों के रूप में दर्शा सकते हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 2 है। इस प्रकार सारी आकृतियों को अगर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त आकृति का कुल क्षेत्रफल x की घात 2 जमा 3x जमा 2 होगा। क्या आप इन आकृतियों को किसी आयत या वर्ग के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? क्योंकि यह आकृति वर्ग के रूप में नहीं व्यवस्थित की जा सकती, इसलिए इसे आयताकार रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार बने आयत की विमाएं डायमेंशंस क्या होगी? जी हाँ, इस प्रकार बने आयत की विमाएं x जमा 2 और x जमा 1 है। इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल x जमा 2 गुना x जमा 1 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक x की घात 2 जमा 3x जमा 2 को हम x जमा 2 गुना x जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ x जमा 2 और x जमा 1 को गुना करने पर हमें वही बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन्हें इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड फैक्टर्स कहते हैं। तो है ना ये गुणन खंडन करने की एक दिलचस्प विधि। इस वीडियो में हमने गुणन खंडन करने की एक विधि के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको गुणन खंडन का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।